अमिताभ जी आऊंगी मैं आपके पास में। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे हैं, एक ऐसी सूची बड़े एनालिसिस के बाद में, जैसे हम देख रहे हैं कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया गया, पीलीभीत के लिए हम पहले भी कह रहे थे, बशीरहाट से जिस तरीके से टिकट दिया गया, जो लगातार सबसे पहले संदेश खाली का मुद्दा लेकर आई थी, तो बहुत परिपक्व सूची, जो 370 पार का लक्ष्य है वो इस सूची में दिख रहा है। देखिए, पैन इंडिया अप्रोच जो इस पूरी सूची में है वो हमें देखने को मिल रहा है। मसलन आप देखिए झारखंड, झारखंड में सीता सोरेन को टिकट दिया है। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी जब उन्होंने जिस दिन बीजेपी को ज्वाइन किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के। इसके बाद आज ही वारा प्रसाद राव जो की तिरुपति से सांसद रहे थे, वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया था, ये भी हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले नवीन जिंदल जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए उनको टिकट मिला है। यही नहीं, रणजीत चौटाला को भी टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात अमिताभ जी कर रहे थे, अगर हम उड़ीसा की ओर बात चले, उड़ीसा में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान व बालासोर से प्रताप सारंगी, हमने पहले इस सुबह इस बात का जिक्र किया था, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी, इसके अलावा वैजयंत पांडा जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। जी, एक जो नाम है जो कहे ना स्पॉटलाइट में है वो है कंगना रनौत का, मंडी से टिकट दिया गया। अमिताभ जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि जैसे वो सरकार के कामों की प्रशंसा करती रही, वो किस तरीके से दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये समझ आया कि मंडी से अगर उतारा जाएगा तो फायदा होगा। और कंगना रनौत तो चाहती थी कि सक्रिय राजनीति में, और उन्होंने चौपाल में कहा भी था कि अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए, कंगना रनौत का जहां तक सवाल है, वो एक पार्टी के लिए युवा चेहरा है और अक्सर पार्टी की और सरकार की जो राय है वह सार्वजनिक मुद्दों पर, वह सरकार के समर्थन में उनकी राय हमेशा से, अब से नहीं, कई सालों से रही है। और शायद पार्टी ने इसको समझते हुए, उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए वो टिकट के दिया है। न केवल हिमाचल बल्कि हिमाचल के आसपास के और जो इलाके हैं उससे भी कंगना रनौत की उम्मीदवारी से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्हीं की मंडी की बगल की सीट है हमीरपुर, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में है। कंगना रनौत अब मंडी से जब मैदान में है तो एक पावर पैक्ड कैंडिडेटचर जो हिमाचल प्रदेश में है जहां पर पार्टी की सरकार नहीं है उससे उसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अन्य जो अब राज्य हैं वहां भी जो टिकट दिए गए हैं उम्मीदवारों को वो बहुत इशारा करते हैं। नित्यानंद राय को उजियारपुर से रिपीट किया गया, राधा मोहन सिंह जो कि वरिष्ठ सांसद हैं उनको मोतिहारी से रिपीट किया गया है। इसके अलावा संजय जायसवाल पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष उनको रिपीट किया गया है। तो पार्टी ने तमाम एक पैन इंडिया अप्रोच सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को टिकट। अमित, मैं लौट रही हूँ आपके पास में क्योंकि बिहार की भी कुछ सीटों का ऐलान हुआ है, चंद्रमोहन का रुख भी कर लेते हैं। चंद्रमोहन, बिहार की जो मैं लिस्ट देख रही हूँ उसमें पुराने नाम तो रिपीट कर ही दिए गए, लेकिन बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में जो आज उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है इसमें ज्यादातर लोग पुराने ही रिपीट किए गए हैं, और जो नए जगह जहां पर नए उम्मीदवारों को उतारा गया है उसमें मुजफ्फरपुर है, उसके अलावा सासाराम है और बक्सर, तीन ऐसी सीटें हैं जहां पर नए उम्मीदवार दिए गए हैं। और साथ ही एक सीट शिवहर जहां से रमा देवी पहले सांसद थी, उनका पहले ही टिकट कट चुका था क्योंकि वहां वो जो सीट है वो जेडीयू के खाते में चला गया था। अश्विनी चौबे जो बक्सर से सांसद थे, केंद्र में राज्य मंत्री भी थे, उनका टिकट कट गया है। हो सकता है कि बीजेपी उनके बारे में कुछ सोच रही हो, उनको अगला कहीं और काम में लगाया जाएगा, लेकिन वहां पर मिथिलेश तिवारी को टिकट बीजेपी ने दिया है। जाहिर सी बात है, एक ब्राह्मण को हटाकर दूसरे ब्राह्मण को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बीजेपी सभी आकलन करने के बाद इन सीटों का और अपने टिकटों का ऐलान किया है। आपने देखा होगा जेडीयू का आज ही दिन में ऐलान हुआ, वहां भी बहुत ज्यादातर लोग जो हैं वो पुराने सांसदों को रिपीट किया गया है, और बीजेपी के तरफ से भी वही किया गया है। ज्यादातर लोग वही हैं जो पुराने सांसद हैं, पहले से केंद्र में थे, और आज के वक्त में उनका ही नाम सबसे अधिक सीटों का जो ऐलान हुआ है उसमें है। सिर्फ तीन ही ऐसी जगह है जहां पर नए लोगों को, नए चेहरे को टिकट दिया गया है, और एक टिकट जो चौथा टिकट है वो शिवहर का था जो पहले ही जेडीयू के खाते में जा चुका था। अमित का फिर से रुख करेंगे। अमित, पीलीभीत की हम बात करते हैं क्योंकि पहले चरण का चुनाव पीलीभीत में होना है, और ये खबर सामने निकल कर आई थी कि वरुण गांधी ने तो नॉमिनेशन के फॉर्म्स तक मंगा कर रख लिए थे, लेकिन हम सुबह से ही बता रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा और जितिन प्रसाद को टिकट मिलेगा। अब ऐसे में वरुण गांधी कुछ स्टेप उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में वरुण गांधी आ सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी की जगह पे तरजीह
बी किसको कही है, देखिए जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है रोहेलखंड में और तराई क्षेत्र में। जितिन प्रसाद उनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और अब वो बीजेपी में फिलहाल बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। तो न केवल पीलीभीत सीट बल्कि वहां के जो ब्राह्मण समुदाय है उसको ध्यान में रखते हुए ये टिकट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।